Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In this video lecture, I am going to describe you chapter number 1, class 10, Geography, Resources and Development. इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने रेड एंड येलो सोयल के बारे में कवर किया था. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिटरेट सोयल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी, ये बनती कैसे है, किस तरीके से हाई टेम्परेचर वाले एरियाज के अंदर बनती है और जहां पर हैवी रेनफॉल होता है. तो ऐसा एरिया, ऐसी चीजें हमें कहां पर मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर या सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर. मीन्स वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाले एरिया के अंदर आता है, उन एरियाज में जहां हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होती है और ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ऐसे एरियाज में जो है लेटराइट सोयल फॉर्म होती है. और कहां पर मिलती है, इंटेंस लीचिंग होती है इसके अंदर. किस लिए होती है कि जो ऐसे एरिया होते हैं जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिलते हैं, उनके अंदर फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा कवर होता है. थिक प्लांटेशन की वजह से, वेजिटेशन की वजह से जमीन तक जो है सूरज की रोशनी इतनी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से लीचिंग वाला वहां पे सरफेस क्रिएट हो जाता है. तो ह्यूमस होता है इस सोयल के अंदर, रिच होती है ह्यूमस के अंदर, बट पुअर भी होती है ह्यूमस के अंदर. पुअर कैसे होती है कि जब इसको प्रॉपर मात्रा में सनलाइट नहीं मिल पाता है तो वो लीचिंग में कन्वर्ट होती है और अब्जॉर्वेशन उसका जो ह्यूमस क्रिएट होता है ऊपर साथ के साथ होता रहता है. साथ के साथ कैसे होता रहता है, जिन एरियाज में फॉरेस्ट रहेंगे वहां पे अब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिशियंस का वो साथ के साथ होता रहेगा. दैट्स वाई ये ह्यूमस रिच भी होती है और साइड बाय साइड पुअर भी होती है. सेकेंडली इसके लिए इसकी सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल होती है कि ऐसे एरियाज में होती है कि इरोजन होता रहता है सोयल की अपर लेयर का, तो ये भी रीजन इसके लिए ह्यूमस पुअर होने का हो जाता है. अब इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर मिलती है, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स. वेस्टर्न घाट कवर कर लेते हैं सबसे पहले. ये जो एरिया है रेड सोयल से इधर का एरिया, ये सारा एरिया किसके अंडर कवर होता है, हमारा लेटराइट सोयल के अंडर कवर होता है. कुछ एरिया तमिलनाडु का भी ये कवर करती है तो यहाँ पर भी मिलती है. ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर यहाँ पे जहाँ अलूवियल सोयल और रेड सोयल होती है उसके बीच का कुछ पोर्शन कवर करती है और यहाँ से छत्तीसगढ़ का एरिया भी थोड़ा कवर करती है और इधर से जो वी कैन से वेस्टर्न पार्ट है ब्लैक सोयल का, वहां पर भी हमें क्या मिलती है, लेटराइट सोयल मिलती है. अब इसके अंदर कंटेंट क्या शामिल होते हैं, ऑफ वेरियस मिनरल्स बहुत सारे मिनरल्स जैसे आयरन है, गोल्ड है, इस तरह की चीजों के ओर, मीन्स उसका एश कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं किसी भी मिनरल का, वो इस तरह की सोयल के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है. और ह्यूमस रिच होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि किस वजह से होती है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ये होती है, तो वहां पे ह्यूमस की जो है फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है बट साथ के साथ अब्जॉर्प्शन भी हो जाती है. लेकिन ये जो पार्ट है यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ का स्लोप ऐसा होता है, देखिए वेस्टर्न घाट्स के अंदर तो क्या होता है, ये एरिया मेनली माउंटेन एरिया के अंदर होता है. यहाँ बॉर्डर के ऊपर वी कैन से कोस्टल एरिया में माउंटेन ज्यादा मिलते हैं तो वो स्लोप भी होता है, तो इसका क्या होता रहता है, इरोजन होता रहता है, तो इसका ह्यूमस अपर लेयर क्या हो जाती है, इरोज हो जाती है, तो यहाँ पे कमी मिलती है. अब नेक्स्ट ये क्या कहता है आपको, क्रॉप कौन सी ग्रो की जा सकती है, प्लांटेशन क्रॉप बेस्ट ग्रो की जा सकती है, लाइक कॉफी सबसे ज्यादा लेटरेट सोयल के अंदर बेस्ट सुटेड है, चाय भी की जा सकती है बट कॉफी इज बेस्ट सुटेड क्रॉप टू कल्टीवेट इन दिस काइंड ऑफ सोयल, और इस एरिया के अंदर कॉफी ग्रो की जाती है हमारी, ठीक है. अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा है आपको, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि मान लो ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनके बीच का जो एरिया, ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, और सब ट्रॉपिकल एरिया जो इसके बिल्कुल नजदीक पड़ता है, तो इन एरियाज में ये ज्यादातर पाई जाती है क्योंकि इसको किस चीज की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की और हैवी रेनफॉल की, और ये दोनों ही चीजें हमें कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर मिलती है, ठीक है. अब ये क्या कहता है कि जैसे तमिलनाडु का एरिया है, कर्नाटका का एरिया है, केरला का एरिया है, इसके अंदर इस सोयल को हम यूज कर सकते हैं. किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करके. इसके ह्यूमस क्योंकि कम होता है, ये स्लोप के ऊपर होती है तो अपर लेयर इसकी फ्लो हो जाती है,
तो ऐसी जगहों पर हमें इसकी फर्टिलिटी को गेन करके इसको यूज करने के लिए कंजर्वेटिव मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किन एरियाज के अंदर लेटराइट सोयल हमें मिलती है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सोयल इरोजन और सोयल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।